चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अमोनिया को हम लोग जो है बनाएंगे, तो किस प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बनाएंगे? सिंथेटिक अमोनिया प्रोसेस। ये लेक्चर है केमिकल इंजीनियर जो है, केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है जो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। इससे कोई कम्पिटेटिव एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो अमोनिया बाय फ्लोशीट हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं, किसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। केमिकल फार्मूला की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला NH3 होता है। यदि हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -33.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और सोलुबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में पूरी तरह से सोलूबल होता है। रॉ मटेरियल की बात करें तो इसमें हम लोग को हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जरूरी पड़ती है। हाइड्रोजन हम लोग सिंथेसिस गैस से लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन हम लोग एयर से लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन 1 मोल N2 लेते हैं, 3 मोल H2 लेते हैं, और हम लोग जो है ना कैटालिस्ट के रूप में आयरन लेते हैं Fe। तो हमें अमोनिया की प्राप्ति होता है, 2 मोल अमोनिया जो है गैसियस फॉर्म में मिलता है। चलिए ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज, रॉ मटेरियल और केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं फ्लो चार्ट के। नहीं, फ्लो चार्ट में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार क्या होता है नहीं होता है। चलिए अब आराम से देखेंगे। सबसे पहले प्यूरिफाइड NH3 सिंथेसिस गैस, जिसमें हम लोग जो है 1 मोल, ये देखिए थोड़ा इसको पतला कर दीजिए सर जी, ठीक रहेगा, बहुत मोटा है, ठीक है। 1 मोल जो है हम लोग N2 लेते हैं और 3 मोल जो है हम लोग H2 लेते हैं। इसको ये आपका कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, इसमें इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, N2 और H2 को कंप्रेस करके ऑयल फिल्टर में डालते हैं। यहाँ से जितना भी ऑयली सबस्टांस होगा ना वो सारा रिमूव हो जाता है। अगेन हम लोग इसको भेजते हैं फीड गार्ड कन्वर्टर में। अब देखिए फीड गार्ड कन्वर्टर का क्या काम होता है, फीड गार्ड कन्वर्टर देखिए कैसे क्या करता है। अब देखिए हम लोग जो N2 लिए हैं ये एयर से लिए हैं, N2 किससे लिए हैं, एयर से। एयर से हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया है। अब एयर में सिर्फ नाइट्रोजन ही तो नहीं होता है ना, और भी बहुत प्रकार का गैस होता है, CO हो गया, CO2 हो गया, कई प्रकार के मेटल भी पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन के अलावा जो हम लोग के पास गैस है ना वो सब फीड गार्ड कन्वर्टर जो है ना रिमूव कर देता है। एक्चुअल में ये करता क्या है, CO हो गया और CO2 हो गया, इसको CH4 बना देता है, मिथेन बना के रिमूव कर दिया। और यदि हम लोग बात करें तो ये देखिए ये CH4 बना के रिमूव कर देता है, H2O को हटा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड फास्फोरस और आर्सेनिक जैसे मेटल को भी ये फीड गार्ड कन्वर्टर जो है रिमूव कर देता है। अगेन फीड गार्ड कन्वर्टर के बाद यहाँ पे जो है ना प्योर N2 और H2 आगे बढ़ता है, समझे। प्योर N2 और H2 जो है इस रास्ते के थ्रू आके यहाँ पे आता है। यहाँ पे ये गर्म रहता है ना तो इसको यहाँ पे ठंडा किया जाता है, कोल्ड गैस की मदद से पूरा चिल्ड किया जाता है, फिर इसको रिएक्टर में हम लोग भेजते हैं। रिएक्टर का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वहाँ का प्रेशर 100 से लेके 1000 एटमोस्फेरिक रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आयरन का बेड है, Fe बेड है, जो एक प्रकार का कैटालिस्ट होता है, एक प्रकार का कैटालिस्ट है। जब N2 और H2 को इसमें भेजा जाता है इस रिएक्टर में, तो यहाँ पे रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, N2 और H2 का रिएक्शन होता है Fe के प्रेजेंस में, और हमें मिलता है अमोनिया गैस। इस रिएक्टर में रिएक्शन के बाद जो हम लोग को देखिए 8 से 30% अमोनिया गैस की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे अमोनिया गैसियस फॉर्म में रहता है। अगेन इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ठंडा किया जाता है, जिसके लिए हम लोग जो है ना इसको वाटर चिलर में भेजते हैं। वाटर चिलर सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है, इसके अंदर से देखिए जो है ना ये इस प्रकार का रहता है, होल नहीं इस प्रकार का रहता है, इसके अंदर से वो अमोनिया का गैस फ्लो करता है और इसके ऊपर से जो है ना ठंडा पानी डाला जाता है, समझे। यहाँ से ठंडा पानी का फुवारा गिरता है और नीचे से NH3 गैस जाता है, ठंडा पानी के कांटेक्ट में आने से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अगेन हम लोग इसको सेपरेटर में भेज देते हैं। सेपरेटर में
जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट अमोनिया को स्फेरिकल टैंक में भेज दिया जाता है, और जो गैसियस फॉर्म में अमोनिया रहता है उसको NH3 रेफ्रिजरेंट में भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। अब ठंडा के बाद इसको अगेन लिक्विड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होते ही इसको स्फेरिकल टैंक स्टोरेज में भेज दिया जाता है। और अनकन्वर्टेड अमोनिया जो है, जो कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी भी, उसको फिर से सेंट्रीफ्यूगल रिसर्कुलेटर की मदद से वापस इस रिएक्टर में भेज दिया जाता है। नहीं, फिर से वो रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट होके स्फेरिकल टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। ये था ओवरऑल NH3 का फ्लोशीट। नहीं, इस तरह से अमोनिया हम लोग जो है बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें स्फेरिकल टैंक ही क्यों लेते हैं, रिएक्टेंगल ले सकते हैं। भाई यदि हम लोग रिएक्टेंगल टैंक लेंगे ना, यहाँ इतना हाई प्रेशर इसमें स्टोर होता है कि ये पार्ट टूटने का डर रहेगा, ये उड़ जाएगा यहाँ से, प्रेशर की मदद से ये उखड़ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए स्फेरिकल होने की वजह से इसमें कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर नहीं लगता है, नहीं, तो इसलिए स्फेरिकल टैंक स्टोरेज लिया जाता है। और यहाँ पे हमको जो है ना 85 से 90, 85 to 90% प्योर NH3 की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग इसके मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं। चलिए तो एक बार प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अमोनियो सिंथेसिस गैस 3 मोल प्योर H2, 1 मोल प्योर N2 इज कंप्रेस्ड टू द ऑपरेटिंग प्रेशर 100 to 1000 एटमोस्फेरिक डिपेंडिंग ऑन कन्वर्जन रिक्वायर्ड। हो गया है। इट इज सेंट टू द ऑयल फिल्टर टू रिमूव कंप्रेशन ऑयल। ऑयल फिल्टर में भेज के कंप्रेशन ऑयल को रिमूव करते हैं। फर्दर सेंट टू द फीड गार्ड कन्वर्टर। हियर फीड गार्ड कन्वर्टर कन्वर्ट्स CO एंड CO2 टू CH4। CO और CO2 को जो है फीड गार्ड कन्वर्टर CH4 में कन्वर्ट कर देता है, और H2H2S फास्फोरस एंड आर्सेनिक का जो ट्रेसेस रहता है उसको भी बाहर निकाल देता है। फर्दर सेंट टू द रिएक्टर। हियर रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे रिएक्टर में रिएक्शन कंप्लीट होता है, जहाँ का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और प्रेशर 100 से 1000 एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है। और इस रिएक्टर में आयरन का बेड होता है जो एक प्रकार का कैटालिस्ट है। आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे हम लोग 8 से 30% अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। रिएक्टर प्रोडक्ट जो 8 से 30% अमोनिया निकला है उसको वाटर चिलर की मदद से ठंडा करते हैं और सेपरेटर में भेज देते हैं। यहाँ लिक्विड जो है अमोनिया का जो लिक्विड है उसको स्टोर किया जाता है स्फेरिकल टैंक में, और गैसेज फॉर्म अमोनिया को NH3 रेफ्रिजरेंट में भेज दिया जाता है। यहाँ पे अमोनिया को -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट अमोनिया को वापस स्फेरिकल टैंक स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर देखो अनकन्वर्टेड अमोनिया सेंड टू द रिएक्टर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रिसर्कुलेटर। हो गया ये सब। अगेन देखिए फाइनली वी गॉट 85 to 90% प्योर अमोनिया इन स्टोरेज स्फेरिकल टैंक। कंप्लीट है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आसान है। क्रोजन प्रॉब्लम कॉमन है, सब में रहेगा। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंसिड्रेशन इसमें होता है। प्लांट डिजाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रोसेस मान लीजिए एक बार प्लांट खड़ा कर दिया गया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आता है। पंपिंग अमोनिया को जो पंप करते हैं ना उसका कॉस्ट बढ़ते रहता है। नहीं, तो ये सब मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। चलिए, थैंक यू।